YouTube के परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अपराजिता और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी सारी नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम शुरू करते हैं मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बनाना। तो यहाँ मैंने घी लिया है 1 चम्मच और काजू को 2 टुकड़ों में करके डाला है और उसे हमें पूरा भुनना नहीं है, फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करके उसको निकाल देना है। और ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप उसे भुनना चाहें तभी भुनें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ, जो लगभग 450 ग्राम के करीब है, और इसे हमें एकदम ही धीमी आंच पे लो फ्लेम पे भूनते जाना है, रोस्ट करना है। तो धीमी धीमी आंच पे मैं इसे रोस्ट करती जा रही हूँ। तो लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करते हुए थोड़ी देर, उसके बाद हमें डालना है इसमें घी। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप घी। घी आप शुरू में भी डालकर और बेसन डालकर इसे रोस्ट कर सकते हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल ही हाई नहीं करना है और इसी तरह लो फ्लेम में घी मिलाते हुए चलाते जाना है, रोस्ट करते जाना है बेसन को। और कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका टेक्सचर हो जाता है घी मिलते हुए। तो अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। तो 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है और अब हम इसे फिर से रोस्ट करते जाएंगे। तो हमें तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक इससे एकदम अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे, एरोमेटिक सा फील ना होने लगे। शुरुआत में भी थोड़ी बहुत खुशबू आती है, पर हमें इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। और ये जब कढ़ाई छोड़ने लगता है तब तक हमें इसे भुनते जाना है। तो अभी मेरे 20 मिनट करीब हो गए हैं इसको भुनते भुनते, तो 10 से 15 मिनट और मुझे इसे रोस्ट करना है। देख रहे होंगे कि घी थोड़ा सा छोड़ते जा रहा है, थोड़ी लिक्विड जैसी होती जा रही है ये। तो ये मेरा लगभग अब रोस्ट हो चुका है, कलर भी इसमें आने लगा है। तो 2 से 3 मिनट में इसे और रोस्ट करने वाली हूँ, फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे। तो अब ये पूरी तरह से एरोमेटिक हो गया, कलर भी सुंदर सा आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे चीनी का पाउडर, पिसी हुई चीनी, और फिर इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए ठंडा हो चुका है ये, और मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया था और उसमें 2-3 इलायची डाल दी थी और उसका चीनी पाउडर रेडी किया। तो इसे अब हम डालते जाएंगे बेसन में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला और इसे मैं मिला रही हूँ अभी स्पून से। तो यहाँ मैंने लिया था 2 कप बेसन और उसमें मैंने 1 कप चीनी का पाउडर डाला है, और इसे अब हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। तो बची हुई चीनी पाउडर को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसे अच्छे से हाथों से मिलाऊंगी बेसन और चीनी को, फिर हम उसके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके से आराम से हाथों से चीनी और बेसन को हमें मिलाते जाना है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लड्डू का मटेरियल मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। और अब हमें इसे अच्छे से मसल के और इसे बनाना है लड्डू। देखिए तो ये है काजू और ये है बेसन और चीनी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। अब हम बनाएंगे लड्डू। तो लड्डू के लिए आप कोई स्पून ले सकते हैं जिससे आप एक ही साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। मैं अपने अंदाज से इसमें अपने के स्टैंडर्ड बड़े साइज़ के ही लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरीके से गोल रोल जैसे लड्डू के शेप होते हैं करके और बीच में काजू डालकर मैंने 1 लड्डू रेडी कर लिया है। और बाकी के लड्डू भी हम इसी तरीके से हाथों से अच्छे से मिलाते हुए गोल सा बॉल्स रेडी करेंगे और उसमें डालेंगे काजू। तो सारे लड्डू हमें इसी तरीके से बनाने हैं गोल गोल करके। तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं सारे लड्डू और ये मेरे 450 ग्राम बेसन से लगभग
13 से 14 लड्डू रेडी हो गए हैं, वो भी एकदम स्टैंडर्ड साइज़ के। अगर आप इसे थोड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आपके 20 के करीब बन जाएंगे आराम से। तो घर पे शुद्ध मिठाई की बात ही कुछ होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। और ये जो ठंडे होने के बाद मेरे लड्डू कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर आता है आप देख सकते हैं। तो आप बनाइए ज़रूर इस लड्डू को और मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ़।